ये देखिए देवांश उठ चुका है। देवांश ये किसने दिया आपको? सेंटा क्लॉज ने दिया। आप सो रहे थे, पता है सेंटा क्लॉज आया था? मुझे नहीं पता, हम भी सो रहे थे, नाइट में आया वो आपको देखे। दीदी को भी तो दे रखा है। हाँ, क्या है दीदी को बताओ, दीदी आपको गिफ्ट दे रखा है सेंटा ने। उठाओ दीदी को उठाओ। करेगा जय कौन करेगा तो फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, जूते पहनने हैं बस। अभी इसके ऊपर ही दवाइयाँ हैं ना, ये रखनी है अभी। मैं खाली मैगी खाली कहाँ खाई। चलो आज अब ब्रेकफास्ट तैयार है। गर्मा गर्म मैगी मैक्रोनी। गर्मा गर्म ही होती है और ठंडी कौन खाएगा। चाय दो रही ला रही। चलो तो बाहर तो चाय पिए थी। सर कैसा सामान हो गया कि इसकी पैकिंग ही खत्म नहीं हो रही है। जब भी मैं देख रही हूँ मैं पैकिंग करते हुए देख रही हूँ यहाँ पे। हैं क्या तो शादी के वाले घर में इतनी सारी चीजें लेके जाते हैं, एक बैग लेके जाते घूमने जा रहे हो। तुम्हारी शादी में क्या बैग नहीं हुए थे? लोग खाली आते थे तुम्हारी शादी में, तो तुम कपड़े बांट रहे हो गए यहाँ से फिर अपनी शादी में लोगों को। इसका संचालन हो गया, पूरे रास्ते पर ऐसे रहेगा। पापा भी आ गए हैं, चलो भी आ गए हैं, लोग भी आ चुके हैं। चलो पूरी जगह पानी लेके जा रही हूँ आंटी खाने का, अभी नहीं खाऊंगा मैं। भैया मुझे सुबह का मुझे लेना पड़ता है। सही बात। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं बिरमुद्वारा में। यहाँ से तुम लोग वापस हो जाओगे। मम्मी पापा तुम लोग, मैं फिर मेरी गाड़ी आ रही है, हम लोग आगे निकल जाएंगे। अब वेट कर रहे हैं मम्मी का और बहन का। हमें यहाँ से कुछ ज्वेलरी का काम है। आज मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत सारे, देखते हैं कौन कौन क्या क्या गिफ्ट देता है मुझे। मम्मी देती है, ससुर देते हैं, सास देती है, पति देता है, हैं। आज मुझे गाइस मुझे गिफ्ट मिलने वाले बहुत सारे। एक गिफ्ट मेरी सास देने वाली है, एक गिफ्ट मेरे ससुर जी देने वाले हैं। अब देखते हैं क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं आज मुझे। और एक मम्मी आ रही है, गिफ्ट मम्मी देगी। मम्मी और अम्मू अपनी जो पहाड़ी भाषा होती है ये वाली पसंद है। मैंने ये वाली पसंद की है, आप बताना कमेंट में कौन सी चीज़ तो ये पसंद आई। और गलोबंद भी पसंद किया मैंने, देखा है गलोबंद का अभी उन्होंने। अच्छा ये वाली है, ये रिंग पसंद करिए, ये वाली रिंग पसंद करिए। तो गाइस देखिए ये गलोबंद है, ये मैंने ये पसंद किया। और एक पौंजी तो मैंने आपको दिखा दी थी, ये गलोबंद फाइनल कर दिया है। ये वाला कैसा लुक लग रहा है मेरा है, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा। और ये पौंजी और गलोबंद मेरे हैं ये दो। और रिंग तो दुल्हन की है, दो नोचपिन भी करिए। दो नोचपिन नहीं है इसमें, टोटल सामान हमने ये लिया है। अब सब फाइनल हो गया है, बिल भी बन गया है पक्का। अब ये हमारा हो गया है पक्का बिल बनने के बाद। चलो फाइनली हो गया। अभी मैं खड़ी हूँ फिल्म द्वारा में चंदना ज्वेलर्स के पास। यहाँ से आज हमने बहुत सारा गोल्ड बनवाया, मेरे भाई की शादी थी तो अपनी बहू का भाभी का सारा गोल्ड हमने यहीं से बनवाया। और जो इन मतलब मुझे मम्मी और पापा ने आज मुझे गिफ्ट किए पौंजी और गलोबंद, वो भी मैंने यहीं से बनवाया। हमें डिज़ाइन भी अच्छे लगे, जो भी इनको डिज़ाइन दो अपना डिज़ाइन भी दो तो ये उस डिज़ाइन में बनवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास वो है यहीं का ही वो है। और प्राइस काफ़ी रिजनेबल है, हमें और उससे अच्छे लगे। मेकिंग चार्ज भी कम है यहाँ के। प्लीज़ आप आइए यहाँ से एक बार इनकी दुकान में, कुछ भी बना के जाइए, बहुत अच्छा है। भैया क्या नाम है शॉप का, नाम बताइए। शॉप का नाम है चंदना ज्वेलर्स। और अगर किसी को कांटेक्ट करना रहेगा तो विजिटिंग कार्ड है आपका? बिल्कुल विजिटिंग कार्ड है। एक विजिटिंग कार्ड ये है ना, ये रहा विजिटिंग कार्ड भैया का। आप नंबर ले लीजिए, नंबर लेनी है आपको सब चीज़ें रीजनेबल प्राइस में। और सबसे हम तो यहाँ के परमानेंट कस्टमर बन गए। ये देखो यहाँ से हम लोगों ने आज बहुत सारा सामान लिया, आधा तो पैक हो चुका है। ये इनमें सब में सामान था यहाँ पे। ये देखो ये आ चुका है इधर, ये सब सामान। ये पूरा स्टाफ है भैया का, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने सर। ये हमारा स्टाफ है इधर।
धमकी दी जा रही है यहाँ पे शादी में आना जरूर, धमकी नहीं आओगे तो अभी हम जा रहे हैं अपने मायके को, हम यहाँ पर रास्ते में उतर रखे हैं। ये रास्ता कौन सा गया इधर को? ये सीधा बनी वाला, सीधा बनी वाला जो फिर हम यहाँ पे, ये कौन सी जगह है? पहली बैराज है, नई पुल जो पहली। अच्छा बैराज। भैया क्या रेट दी स्ट्रॉबेरी? 150 की पाव। सही लगा लो। हाँ बटे नहीं हो, मिल्खा सिंह थी, मिल्खा सिंह ढाबे। सामान पहुंचाने के लिए आगे दे दो, खाली हाथ जा रही हो, गिरेगा देवान यहाँ से। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यहाँ देखिए, ये यहाँ से सुरंग बनाई गई है, सुरंग से आज हम बाहर निकल रहे हैं। सुरंग का गेट खुला है आज, उन्हें काट देगा हम मक्का, काट देगा मक्का। बस सामान वगैरह हमने सब सेट कर दिया है इधर, ट्राइपॉड ये तो काम आएगा। अभी बच्चे यहाँ गाड़ी चलाने में, पिछली बार यहाँ गाड़ी नहीं थी तो लड़ाई करने में व्यस्त थे, इस बार यहाँ ये गाड़ी ले आई तो ये गाड़ी चलाने में व्यस्त है। हैं अब गाड़ी के लिए हल्ला रहेगा इनका। हाँ सब अंदर रखे, अभी नाम लेके देर के वो कल सब सेट कर देंगे। साइज अभी हम जा रहे हैं बरसीम काटने, आज मम्मी ने मुझे ड्यूटी सौंप रखी है। आज मैंने मतलब मम्मी ने तो नहीं कहा, मैंने ही मम्मी को बोला कि आज बरसीम मैं काटूंगी। और ये मेरा शूट करने वाला, ये देखना टमाटर देख रहे हो भाई साहब, कितने बड़े बड़े सारे टमाटर हो गए। ये क्या लीची के पेड़ है तो? पूछो पूछो वहाँ भी कैसे हो? सही है, दिव्यांश। क्या नाम लिखा है? दिव्यांश। देवांश और दिव्यांश। एक दांत टूटा, बोई है मम्मी, बहुत छोटी काट रही है इसको, थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ना। चलो मैं काट के देखती हूँ, मेरे हाथ में काम पे का, कोई बात नहीं कट भी जाएगा तो। ये देखो मुझे आता है, राम राम काट यार। तो यहाँ पे ठेके ले लिया कर बरसन काटने के, तुम ना तुम काट भी नहीं पाओगे। हाथ काटेगा ये देखा गजोर थी, तुमने गजोर दी, वो नहीं आता था तो है, तुम नहीं काटवा रहे हो। हाँ काटनी आई नहीं थी तुम्हें, ऐसा तुमको हाल लग रहा होगा, मैं हाथ से तोड़ दूँ ऊपर को खींच के ना। कट रही देखने दे तू, कट रही ऐसा गजोर गजोर के क्या काट रहे हो? अपना काटने का तरीका देखो, मम्मी ने कितना साफ करके काटा, देखो नीचे देखो जरा। ओ खिलाड़ी आदमी है फिर, अब खिलाड़ी नौ से किए हैं। तो गाइस हम कर रहे हैं मोमो चैलेंज, 10-10 मोमोज का 30 सेकंड में। अब टाइम जो है बढ़ाना पड़ेगा या टाइम वही रहेगा? टाइम उतना ही है, टाइम नहीं बढ़ेगा। ये दोनों आज करेंगे चैलेंज, सेकंड में 10 मोमोज खाने, 10 मोमोज मुझे खाने। नहीं नहीं जो जल्दी खाएगा, जो जल्दी खाएगा मैक्सिमम 30 सेकंड, जो जल्दी खाएगा। पनिशमेंट नहीं, पैसों की लगाओ यार, हम मेरा भी तो फायदा हो। तुम 500 रुपये जो हारेगा वो 500 रुपये मुझे देगा। चल 50 रुपए है, टाइम वेस्ट कर रही हो। 100 की, 100 और देगा कौन किसको? जो हारेगा वो मुझे देगा ना, शूट करने वाले को। ऐसे थोड़ी ना होता है, दोनों को सेम ही मिलेगा। कोई ज्यादा मिर्च खाता है, कोई या नहीं खाता है, मत खाओ। यहाँ पर फिर ब्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी मिलेगा थोड़ा सा टाइम, दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम है। ब्लॉग एडिट कर रहे हो? या एडिट ही करने में रहो, जिनको पोस्ट तो करना मत, बस एडिट करने में रहो। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट सिर्फ एडिट तो, करना है, पोस्ट नहीं करना होता, पोस्ट अपने आप हो जाता है। तो आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं आज गैबुआ में, गैबुआ मतलब मेरी ससुराल, मेरी ससुराल मतलब कलेश ही कलेश। तब इससे बोल दो थोड़ा आपको वरना खाना भी नसीब नहीं होगा सामने। देखा यहाँ तो दब के रहना पड़ता है, यहाँ पर दब के रहना पड़ता है। तो गाइस
चलिए कुछ दिन अब ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहेंगे और क्या करते हैं, खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना तो जीने, इंसान को जीने के लिए खाना पड़ेगा और खाने के लिए हमें भीगी बिल्ली बन के रहना पड़ेगा। चलो बाय 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 गाइस।